हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी और मेरे चैनल पिंकी साइकिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है सैंडविच, और जिसके लिए मैंने दो चटनी तैयार की है। तो पहली चटनी मैं तैयार कर लेती हूँ, जो हमारी लाल चटनी है। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ एक चम्मच मैंने तड़का पैन में ऑयल की डाल दी है, रिफाइंड ऑयल की। और सबसे पहले हम डाल देते हैं यहाँ पर, ये मेरे पास लहसुन है, 6-7 कलियाँ हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और इसके बाद हम अदरक डाल देते हैं। और यहाँ मैंने टमाटर को भी कद्दूकस कर लिया है, इसको भी हम डाल देते हैं। और इसको हम चला लेंगे अच्छे से। और यहाँ मैं हल्का सा 1 चम्मच के करीब पानी डाल रही हूँ। और अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं 1/2 चम्मच, और इसको चला देंगे। और यहाँ मैं 1 चम्मच इसमें काला नमक डाल दूंगी, 1/6 चम्मच लिए मैंने। और यहाँ मैं विनेगर डाल दूंगी, ये वाली चम्मच मैंने विनेगर के लिए। और 5-7 मिनट में ही हमारी ये चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जो हमने डाली है, उससे अच्छा कलर भी आ चुका है। और अब बस हमें इसको 5-7 मिनट के लिए चलाना है, और फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं चटनी हमारी तैयार हो गई है, और अब हम इसको निकाल लेते हैं। और अब हम बनाते हैं ग्रीन चटनी। और ग्रीन चटनी हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। पहले ले लेंगे हम एक मिक्सी का जार, और यहाँ मेरे पास है पुदीना, और ये धनिया पत्ती है, और ये 6-7 मेरे पास है हरी मिर्च, और ये अदरक का टुकड़ा है। और बाइंडिंग के लिए हम इसमें रोस्टेड चना दाल या फिर पीनट यानी कि मूंगफली भी डाल सकते हैं। और इन सबको मिक्सी के जार में डाल करके अच्छे से धो करके और ग्राइंड कर लेंगे। और उसके बाद हमारी कुछ इस तरीके की चटनी बनकर तैयार हो गई। ये चटनी मैंने पहले ही बनाई हुई है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। तो हमारी ये ग्रीन चटनी भी तैयार हो गई है, और हमारी लाल चटनी ये टोमेटो और लाल मिर्च वाली भी तैयार है, जो मैंने अभी बनाई है। और अब हम कर लेंगे सैंडविच की स्टफिंग तैयार। उसके लिए मैंने यहाँ लिया है एक बाउल, और बाउल में हम डाल देंगे, यहाँ पर मेरे पास है ये पत्ता गोभी, मैंने इनको धो करके अच्छे से काट लिया है बारीक बारीक। और यहाँ गाजर भी हम डाल लेंगे, और ये शिमला मिर्च 1/2 कटोरी, और ये प्याज, एक प्याज मैंने ली है, बारीक काट लिया है इसको। सारी सब्जियों को मैंने एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अभी इनमें डाल देते हैं 2 हरी मिर्च, इनको मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ पर मेरे पास है ये काला नमक स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच, और ये आमचूर पाउडर है, और ये भुना जीरा है, और थोड़ी सी है ये रेड चिल्ली। और यहाँ 2 चम्मच के करीब हम मेयोनीज डाल देंगे, जिससे हमारे सारे मिक्सचर में अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और अब हम इन सबको मिला लेते हैं। तो इधर स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है, इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। और यहाँ मैंने लिए हैं 6 ब्रेड स्लाइस, और अब हम इनको, अब हम इनकी एक साइड पर अपनी ये लाल चटनी लगा लेते हैं, और एक साइड अपनी ग्रीन चटनी लगा लेंगे। अच्छे से अप्लाई कर लेंगे ब्रेड पर। और एक साइड हम अपनी ये ग्रीन चटनी लगा लेंगे, धनिया और पुदीना वाली। अच्छे से इसको भी अप्लाई कर लेंगे। और अब हमारी जो स्टफिंग है, उसको हम रख लेते हैं अपनी ब्रेड पर।
और अब हम इस ब्रेड को इसके ऊपर रख लेंगे और ये हमारा एक ब्रेड सैंडविच तैयार हो गया है। तो सारे ब्रेड को हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। सारे ब्रेड को मैंने तैयार कर लिया है और हम यहाँ ये बटर लगा देते हैं इनके ऊपर। मैंने अमूल बटर लिया है, ये आप किसी भी किराना शॉप से ले सकते हैं। तीनों ब्रेड पर हम ऐसे ही बटर लगा लेंगे। अब हम इनको सेक लेते हैं और अपनी सैंडविच को सेकने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है नॉनस्टिक तवा। और अब हम इसको, गरम हो चुका है हमारा तवा, गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था, और अब हम इसको अच्छे से सेक देते हैं। और यहाँ गैस की फ्लेम को मैंने लो पर किया हुआ है और यहाँ हम थोड़ा सा वजन रख देते हैं इस पर ताकि हमारे ब्रेड अच्छे से सिक जाए हमारे सैंडविच। और इस साइड भी, दूसरी साइड जो हम अपना बटर लगा देते हैं, दूसरी साइड भी। और अब हम इसको पलट देंगे आराम से और आप देख सकते हैं कि सैंडविच का कलर कितना प्यारा आया हुआ है, बिल्कुल गोल्डन हो चुका है और स्टफिंग भी हमारी बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही है। इसको भी हम 2 मिनट के लिए सेक देंगे लो फ्लेम पर। तो सैंडविच हमारी अच्छे से सिक चुकी है और दोनों तरफ से अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसको रख लेते हैं और बाकी की सैंडविच को भी हम इसी तरीके से सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं और इसको आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी। ये हेल्दी तो है ही, साथ साथ टेस्टी भी है। और इस तरीके से अगर आपके बच्चे सब्जियां खाने में नखरे दिखाते हैं तो आप उन्हें सब्जियां भी खिला सकते हैं सैंडविच के थ्रू। मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूं और आप देख सकते हैं कि हमारे सैंडविच काफ़ी क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।